अक़लियती तलबा के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला जारी है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पिछले साल नांदेड़ में 50,000 से ज़ायद तलबा को स्कॉलरशिप मंजूर की गई। इस मरतबा भी इतनी ही तादाद में तलबा को स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद है, लेकिन दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है। इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसे तलबा जो स्कॉलरशिप के लिए पहली मरतबा दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं, इन्हें दरख्वास्त फॉर्म के साथ साथ वालिद की सालाना आमदनी का इनकम सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी है। जबकि ऐसे तलबा जिन्होंने पिछले साल स्कॉलरशिप हासिल की है और इस मरतबा वो रिन्यूअल के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं, इन्हें इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की सारी जिम्मेदारी मुतल्लिका स्कूल के सदर मुदर्रिस के जिम्मे की गई है। इसके लिए तलबा के वालिदैन को बाहर से अपने तौर पर दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो तलबा जिन्होंने इस साल अपना स्कूल तब्दील किया है, इन्हें भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अपने नए स्कूल के जरिए ही फ्रेश फॉर्म दाखिल करना पड़ेगा और साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए तलबा से किसी भी तरह की फीस लेने की भी स्कूल इंतजामिया को इजाज़त नहीं है। अगर कोई इदारा स्कॉलरशिप स्कीम का फॉर्म भरने के लिए तलबा से पैसों का मुतालबा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह की इत्तला नांदेड़ जिला परिषद के महकमे तालीमात में खिदमत अंजाम देने वाले शेख रुस्तुम ने दी है। प्री मैट्रिक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 2021-22 के तहत स्टूडेंट के फ्रेश और रिन्यूअल फॉर्म भरने की काम शुरू हो चुका है। 18 अगस्त 2021 से ये काम शुरू हो चुका है और इसकी आखिरी डेट है 15 नवंबर 2021। ये काम करते समय सबसे पहले हेडमास्टर लोगों से मैं अपील करूँगा कि अपने स्कूल की नोडल ऑफिसर की लॉगिन पहले अपडेट कर लें। उसके जब तक आप नोडल ऑफिसर की लॉगिन नहीं करेंगे तब तक जितने भी फॉर्म हमने भरे हैं वो हमारे वेरीफाई नहीं कर सकेंगे और वो फॉर्म जिला लॉगिन पे नहीं आएंगे। इसलिए आपसे अनुबंध गुजारिश है कि सबसे पहले अपने स्कूल की नोडल ऑफिसर लॉगिन कर ले। इसके बारे में हमने डिटेल आपको हमने आपको भेजे हैं, PPT दी हुई है, उसका लेटर भी दिया हुआ है। उसके बाद जब हमारे ज़िले का टारगेट है रिन्यूअल का 48,946, वो हमें वक्त से पहले पूरा करना है। अभी तक 17,000 कुछ चिल्लर अभी तक रिन्यू फॉर्म हो चुके हैं, ये काम बहुत स्लोली चल रहा है। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट से भी आपको आदेश मिल चुके हैं, जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना है। ये होने के बाद इस रिन्यू स्टूडेंट के अलावा हमारे स्कूल में जितने भी माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कॉलरशिप की कंडीशन पूरे करते हैं, ऐसे पूरे बच्चों के फ्रेश फॉर्म भरना है। इन दोनों के लिए भी 15 नवंबर 2021 तक इसकी डेट है। उसके बाद फिर अपने स्कूल से उसको वेरीफाई करना है ताकि जिला लॉगिन पे आ सके। जब हम स्टूडेंट का फ्रेश फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए सक्षम अधिकारी का इनकम सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। स्टेट से इसके बारे में आदेश आ चुके हैं और हमने ये आदेश आपको भी भेज चुके हैं। रही बात रिन्यूअल की, रिन्यूअल के फॉर्म भरते समय हमें जो मीटिंग में सूचना मिली थी उसके तहत रिन्यूअल का फॉर्म भरते समय इनकम सर्टिफिकेट की या किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं लगती। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टूडेंट के माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के सर्वस्व यानी पूरी की पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के मुख्याध्यापक इनकी है। इसके लिए भी हमने बाजाब्ता लेटर निकाल कर उनको बताया है कि ये जिम्मेदारी आपकी है, पेरेंट्स की नहीं है। और जैसा कि बाकी हमारे स्कूल के काम करते हैं ऑनलाइन के, उसी तरह ये भी हमारे स्कूल का ही काम समझ के हमें वो खुद करना है। स्कूल के हेडमास्टर ने या जो भी उनके स्कूल में जो तंत्रस्नेही टीचर है, जो टेक्नोसेवी है, उनके जरिए से हमें काम पूरा कर लेना है। पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी नहीं है, ये स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर है, उन्होंने ही ये फॉर्म फिलअप करने का, इसके बारे में हमने लेटर हेडमास्टर तक पहुँचाया है। और ये पूरा काम माननीय प्रशांत डिग्रस्कर सर, एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी, और उसके और अभी हाल में जो बिरगे मैम एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी में ज्वाइन हो चुके हैं, इनके निगरानी में अच्छी तरीके से काम हो रहा है। उन्होंने भी पूरे हेडमास्टरों को हिदायत दे दिए हैं कि जल्द से जल्द अपना पूरा काम करें। उसी के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट के जो बड़े अफसरान है, बंसोटे सर है, सलगर सर है, इन्होंने भी इसके बारे में हेडमास्टर को बताया है, लेटर निकाला है और उनके जेरे निगरानी में माशाल्लाह ये काम
सही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा के अपने काम में जो स्पीड कम है उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा करके, क्योंकि ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर पूरे ऑल इंडिया के स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जाते हैं, और जब हम लेट करेंगे तो ये इसका जो सर्वर है डाउन हो जाता, फिर हमें तकलीफ़ होती। इसलिए आपसे फिर से मैं खुद गुजारिश करूँगा, और डिपार्टमेंट से भी आपको भी आदेश मिल चुके हैं कि जल्द से जल्द अपने जितने भी स्टूडेंट हैं माइनॉरिटी के, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी, जैन, इन रिलीजन में जो बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, इनके रिन्यूअल के और फ्रेश के फॉर्म जल्द से जल्द पूरे करना है।